प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का 7 अमर वाणियां हम पढ़ेंगे। पहला वाणी लूका 23:34 हम पढ़ेंगे। हे पिता, इन्हें समा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई बहन, क्या आप भी सब कुछ जानते हुए भी गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बाइबल वचन का विरोध, प्रभु यीशु मसीह का विरोध, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, सबके सामने चर्च जाना, आराधना करना, ऑफरिंग देना, बाइबल वचन सुनना, सबके सामने एक मसीह जिंदगी, एक क्रिश्चियन जिंदगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे अपना आप में एक नॉन क्रिश्चियन जिंदगी, गलती करने वाला जिंदगी, पाप करने वाला जिंदगी, दुनिया के सामने एक मसीह जिंदगी, क्रिश्चियन लाइफ, किसी को पता भी नहीं चलेगा एक पाप वाला लाइफ, बाइबल वचन जानते हुए भी गलती करना, पाप करना, बाइबल वचन जानते हुए भी गलती करने वाले को, पाप करने वाले को डबल गुना नरक है, डबल गुना सजा है, पूरा बाइबल वचन को जानते हुए भी गलती करते हैं उनको डबल दंड मिलेगा, मेरा प्रिय मसीह में भाई बहन। दूसरा वाणी हम पढ़ेंगे लूका 23:43 हम पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरा साथ स्वर्गलोक में होगा। मसीह में प्रिय भाई बहन, क्या आप भी पक्का कॉन्फिडेंस हैं सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अचानक आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ आप भी स्वर्गलोक में होंगे? ये आपको पता है? चुप चुप के पाप करना, गंदा वीडियो देखना, गंदा इमेज देखना, गंदा शब्द बोलना, लड़ना, घमंड से जीना, बुराई करना रहम नहीं है। क्या आप 100% मसीह जिंदगी, 100% क्रिश्चियन लाइफ में जीता हूँ ऐसे कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं क्या आप? प्रभु यीशु मसीह अचानक आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में जाने का उम्मीद है, ये आपको ही पता है, आपको दिल को ही पता है। मैं पाप नहीं करता हूँ, कोई गलती नहीं करता हूँ, मैं पूरा तरह मसीह जिंदगी जीता हूँ, क्रिश्चियन लाइफ जीता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अचानक आएंगे तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में जाने का उम्मीद है मुझे, ऐसे बोल सकते हैं? तीसरा वाणी हम पढ़ेंगे यवन्ना 19:26-27 हम पढ़ेंगे। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरा माता है। मसीह में प्रिय भाई बहन, बगैर प्रेम वाला एक मसीह जिंदगी, बगैर रहम वाला एक मसीह जिंदगी, किसी को भी प्रेम नहीं दिखाना, रहम नहीं दिखाना, मैं इस दुनिया में परमानेंट रहूंगा ऐसे सोच के 24 घंटा घमंड से जीना, दिल में रहम नहीं, प्रेम नहीं, एक दिखावा मसीह जिंदगी, बिल्कुल रहम नहीं, बिल्कुल प्रेम नहीं, ऐसे एक नॉन क्रिश्चियन जिंदगी, विश्वासी के ऊपर, पड़ोसी लोगों के ऊपर रहम नहीं दिखाएंगे, प्रेम नहीं दिखाएंगे, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा आपका प्रार्थना सुन के कैसे रहम करेंगे, कैसे प्रेम करेंगे, ये आपको सोचना है। फोर्थ वाणी हम पढ़ेंगे मत्ती 27:46 हम पढ़ेंगे। एली एली लामा सप्तानी, अर्थात हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रिय मसीह में भाई बहन, पिता परमेश्वर एगोवा ईरे, एगोवा निसी, एगोवा रब्बा, एगोवा रूबा, एगोवा सम्मा, एगोवा सोलम, अपने लौते पुत्र को इस दुनिया को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए अपने लौते पुत्र को छोड़ दिया, इसलिए पुत्र सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा का लहू से हम चंगे हो जाएं, पाप से छुटकारा पा लिया। मसीह में प्रिय भाई बहन, क्या आप भी नॉन क्रिश्चियन लोग को, जो मसीहा को नहीं जानते हैं, उनको शुभ संदेश, शुभ समाचार, बाइबल वचन सुनाते हैं, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने,
पाप से दूर एक छुटकारा जिंदगी वो लोग भी जीने के लिए, उन लोग को आप शुभ संदेश शुभ समाचार बाइबल का वचन सुनाते हैं क्या? आप घुटनों में रह के जो दर्द से जी रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? आप सिर्फ अपने लिए जीना, सिर्फ जिंदगी, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी को शुभ संदेश शुभ समाचार बाइबल वचन को बांटते नहीं सुनाते नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, वही सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, ऐसे किसी को बताते भी नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना, फिर कैसे ये मसीह जिंदगी हुआ, क्रिश्चियन लाइफ हुआ, ये आपको सोचना है प्रिय मसीह में भाई बहन। पांचवी वाणी हम पढ़ेंगे, यवन्ना 19:28 हम पढ़ेंगे, मैं प्यासा हूँ। प्रिय मसीह में भाई बहन, बाइबल वचन में प्यास नहीं, आराधना में प्यास नहीं, घुटनों में रह के दुनिया के लिए जो दर्द से जीते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्यास नहीं। शरीर में प्यास लगेगा तो आप तुरंत पानी पी लेते हैं, मगर आत्मा की प्यास बिल्कुल नहीं। मेरा पास पैसा है, दौलत है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, मैं सुख जीवन जीता हूँ, मैं जाके किसी को क्यों शुभ संदेश सुनाऊं, प्रार्थना करूं, ऐसे सोच के सिर्फ अपने लिए जीना, सिर्फ क्रिश्चियन जिंदगी जीना, इसमें प्रभु यीशु मसीहा, ऐसे आप जीने से प्रभु यीशु मसीहा आपका लाइफ से खुश हो जाएंगे, ये आपको सोचना है प्रिय मसीह में भाई बहन। सिक्स्थ वाणी हम पढ़ेंगे, यवन्ना 19:30 हम पढ़ेंगे, पूरा हुआ। प्रिय मसीह में भाई बहन, क्या आप भी ये बोल सकते हैं, सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा मुझे ये दुनिया में लेके आए हैं, किस काम के लिए मैं दुनिया में आया हूँ, वो काम मैंने पूरा किया, किसी एक आत्मा को भी बचाने के लिए क्या आप सोचा? अधूरा काम, अधूरा जिंदगी, किसी को भलाई नहीं करना, किसी को अच्छाई नहीं सोचना, किसी को भी गोस्पल नहीं सुनाना, सिर्फ अपने लिए जीना, अपना परिवार के लिए जीना, पवित्र बाइबल वचन को बांटने के लिए मन नहीं, अधूरा क्रिश्चियन जिंदगी जीते हैं या पूरा मसीह जिंदगी जीते हैं, ये आपको सोचना है मेरा प्रिय मसीह में भाई बहन। सातवीं वाणी हम पढ़ेंगे, लूका 23:46 हम पढ़ेंगे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रिय मसीह में भाई बहन, क्या आप भी अपना आत्मा को सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है कि ये दुनिया को सौंपा है? दुनिया का लालच, रुपया पैसा, धन दौलत, बड़ा बड़ा सामान, पवित्र बाइबल वचन से कोई इंटरेस्ट नहीं, बाइबल वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना करने के लिए आराधना करने के लिए चर्च जाने के लिए टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ आत्मा दुनिया के ऊपर है, दुनिया से प्यार, दुनिया के सामान से प्यार, जमीन दौलत से प्यार, बिल्कुल अपना आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर नहीं, अपनी आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह को सौंपने के बजाय इस दुनिया को सौंप के जीना, मसीहा के विरुद्ध, बाइबल वचन के विरुद्ध, घमंड से, बगैर प्यार बगैर प्रेम से, कोई विटनेस नहीं, कोई गवाही नहीं, एक दिखावा मसीह जिंदगी, सिर्फ अपने लिए जीना, अपना परिवार के लिए जीना, अपने आत्मा को दुनिया को सौंप के सिर्फ जिंदगी जीना, इसमें प्रभु यीशु मसीहा आपका लाइफ में खुश हो जाएंगे, ये आपको सोचना है।